हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा रेसिपी है चॉकलेट बबल्स केक। चॉकलेट बबल्स केक बनाना बहुत ही आसान है, ये घर में आसानी से हम लोग बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है। इसका चॉकलेट एंड केक का कॉम्बिनेशन है, तो जिसको केक खाना पसंद है उनके लिए भी तो बहुत अच्छा है, फिर जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको बना के आप घर में भी रख सकते हैं और कोई भी टाइम पे आप इंजॉय कर सकते हैं, और डेजर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप जाइए, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो डेजर्ट हिसाब से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक माइक्रोवेव शेप कप लिया और 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया। आप चाहे तो मैदा का जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग पाउडर लिया मैंने 1/3 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ज़रूर डालिए और इसको अच्छा से मिक्स करना। उसका बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के एकदम कोका पाउडर लिया। कोका पाउडर देने से चॉकलेट केक बन जाएंगे। तो हम लोग कोको पाउडर को अच्छा से मिक्स करेंगे। मिक्स करने का बाद आप देखिए ऐसा देखने में आया। इसका बाद हम लोग स्वीटनर के लिए कोई भी जागरी और पाउडर, पीसी हुई पाउडर का चीनी ले सकते हैं। आप जो भी मन चाहे आप डाल सकते हैं। मैंने जागरी डाला, गुड़ डाला, आप चाहे तो शक्कर भी डाल सकते हैं। इसका साथ मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून डाली। ऑयल डाल के अच्छा से मिक्स करना है। इसका बाद हम लोग थोड़ा मिल्क यूज़ करेंगे इसको स्मूथ पोरिंग कंसिस्टेंसी बनाने के लिए, स्मूथ बैटर बनाना है। इसके लिए हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है मैंने, जो घर में हमेशा रहते हैं सबका घर में वैसा ही मिल्क लिया। वो मिल्क हम लोग ऐसा डाल के इसको स्मूथ बनाना है। इसका बाद मैंने वैनिला एसेंस डालिए। वैनिला एसेंस आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक नहीं डाला तो इसमें वैनिला एसेंस उतना ज़रूरी नहीं है। और देखिए ज़्यादा दूध हम लोग को चाहिए इसको और भी स्मूथ बनाने के लिए, तो मैंने वो डाली। और मैंने विनीगर, एप्पल साइडर विनीगर डाला 1/3 टीस्पून। आप चाहे तो नॉर्मल विनीगर भी, सिंथेटिक विनीगर भी डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और इसको ज़रूर डालिए। इसको डालने से हमारा बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाते हैं और केक अच्छा से फूलते हैं। अब देखिए हमारा बैटर पूरा रेडी है। आप ऐसा स्मूथ बनाने के लिए जितना मिल्क चाहिए आप ऐड कीजिए। अब देखिए हमारा बैटर रेडी है अभी बेक करने के लिए। बेक करने का टाइम पे आप ज़रूर इतना गैप रखिए कप का अंदर, तो हम लोग जब फूलेंगे तो ये पूरा भर जाएंगे। हम लोग 1 मिनट के लिए हम लोग माइक्रोवेव में चला दिया, जैसे खाना गर्म करते हैं उसी मोड में ही चलाइए इसको। ज़्यादा कोई कन्विक्शन मोड में चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नाइफ टेस्ट किया, नाइफ बहुत अच्छा क्लियर आ गई, तो इसका मतलब केक हमारा अच्छा से बन गई। अभी इसको डीमोल्ड करनी है, तो डीमोल्ड करने के बाद हम लोग इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको केक को थोड़ा स्क्रम्बल करके इससे हम लोग को छोटा छोटा बबल्स बनाना है, छोटा छोटा बॉल्स बना के बबल्स बनाना है। अब देखिए ऐसा केक कितना अच्छा आ गया। आप ऐसे ही खा सकते हैं और ऐसा इसको थोड़ा सा स्क्रम्बल करके इसका साथ हम लोग बॉल बनाने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने चॉकलेट्स लिया, 100 ग्राम्स का चॉकलेट लिया। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट को हम लोग अच्छे से पीसेस बना रही हूँ। पीसेस बना के हम लोग इसको मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड में रख देंगे, जैसे गर्म पानी का ऊपर ऐसा रख देंगे, जैसे गर्म पानी बोल कर टच नहीं करें लेकिन इसको मेल्ट हो जाएंगे। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड किया, तो उसको ऐसा गर्म पानी के ऊपर रख देंगे और बाद में इधर हम लोग बॉल बनाएंगे। केक का स्क्रम्बल से हम लोग बॉल बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा चॉकलेट सॉस ऐड कर रही हूँ, तो अच्छा से बॉल बन जाएंगे, स्मूथ बॉल बन जाएंगे छोटा छोटा। आप चाहे तो जितना मर्जी आप बना सकते हैं बॉल का साइज, छोटा बड़ा ऐसा कुछ ही नहीं है। बबल जैसे बबल का साइज नहीं रहता है, ठीक है, ऐसा ही बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं है जो परफेक्ट बनाना है, हर बॉल का साइज सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा बड़ा कुछ भी आप बना सकते हैं। अब देखिए ऐसे छोटा छोटा बॉल बना के हम लोग साइड में रख देंगे। रखने के बाद आप देखेंगे हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गई। अभी इसका डालने के लिए मैंने एक पार्चमेंट पेपर लिया, जैसे बाटर पेपर भी कहते हैं, उसका ऊपर हम लोग मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे और इसको एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे।
आप चाहे तो कोई भी शेप पे बना सकते हैं। तो मैंने रेक्टेंगुलर शेप दे रही हूँ, तो इसको थोड़ा सा बाटन नाइफ का साथ हम लोग थोड़ा सा फैला देंगे। उसका बाद एक एक बॉल हम लोग उसका ऊपर रख देंगे। अच्छा से सजा दीजिए, आपको जैसे मन चाहे वैसा ही आप सजा सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसके ऊपर अभी लेफ्ट ऊपर जो मेल्टेड चॉकलेट है उसके ऊपर डाल देंगे, अच्छा से कवर कर देंगे। हार बॉल्स को कवर करना है, अच्छा धीरे धीरे इसके ऊपर पोर करना है। पोर करने के बाद हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए, तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। और साइड में जितना सारे एक्स्ट्रा चॉकलेट्स हैं उसको हम लोग बाद में कटिंग करके एक शेप देंगे। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर शेप हो गया आफ्टर 1 आवर। अब देखिए कितना अच्छा सा बबल चॉकलेट केक बन गई। अब देखिए इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं ना, घर पे कोई भी टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं। और इसको टेस्ट बहुत यम्मी है। आप देखिए घर का सामान से कितना आसानी से बना सकते हैं आप। आप इसको ऐसा पेपर के अंदर फोल्ड करके फ्रीज में स्टोर कर सकती है, जब भी मन चाहे आप खा सकते हैं, जैसे डेजर्ट हिसाब से खा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, टाटा।